देखिए आपने क्वेश्चन क्या है इसमें न्यूक्लियाई में, द काउंट रेट फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब. सबसे पहले तो इस वर्ड पे फोकस करना है, व्हाट इज काउंट रेट. ये नया होता है बट है कुछ नहीं. जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी. सर कितना कितना आपका सैंपल डीके हो रहा है, जिसको आप कहते थे एक्टिविटी. तो आप बताओ उसको क्या बोलते थे, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. मतलब कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए एक सेकंड में. तो यही तो काउंट रेट हुआ. देखो ना काउंट कितने कम हो रहे, काउंटिंग ही तो है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. तो आप कंफ्यूज मत होना, काउंट रेट इज सिंपली एक्टिविटी. तो द काउंट रेट फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए रेडियो एक्टिव लिक्विड. अब अभी तक आपने जो भी पढ़े जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम वो सब क्या थे, सॉलिड. तो अपन उसका मास लेते थे, इनिशियल मास. और मास से क्या, मास से आपको मतलब ही नहीं, नंबर से मतलब होता था. तो वैसे ही इस बार क्योंकि ये लिक्विड है तो इनिशियली आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसकी एक्टिविटी है सी. तो 100 सेंटीमीटर क्यूब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी कितनी है, सी है. और एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी. इट इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर की वजह से, आपको पता है रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा एक्टिविटी. तो इसकी कितनी है, 100 सेंटीमीटर क्यूब की सी. अब आपने क्या बोला, सम ऑफ दिस लिक्विड इज नाउ डिस्कार्डेड. अब आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब था, आपने इसमें से कुछ कम कर दिया. मान लीजिए आपके पास 100 में से आपने x हटा दिया. कितना हटाया आपको नहीं मालूम है, बस आपने x हटा दिया. फिर सम ऑफ द लिक्विड इज नाउ डिस्कार्डेड एंड द काउंट रेट ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड. और जो बच गया, अब जितना भी बचा x निकालने के बाद, सपोज करो x की वैल्यू है 30, सपोज 30, तो बचा कितना 70. अगर आपने 30 निकाल दिया तो बचा कितना 70. तो जो रिमेनिंग लिक्विड है इज फाउंड टू बी कितनी, c by 10, बट आफ्टर हाउ मच, आफ्टर 3 half life. 3 half life के बाद उसका अपन ने क्या करा, काउंट रेट जो है वो कितना हो गया, c/10. मतलब सीधा सीधा कहें एक्टिविटी कितनी रिड्यूस हो गई. आप कहेंगे सर c/10 रिड्यूस हो गई. अब c/10 है, द काउंट रेट ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड इज फाउंड टू बी, बचे हुए की कितनी है c/10, बट किसके बाद, आफ्टर 3 half life. तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड. रिमेनिंग लिक्विड मतलब ये x की वैल्यू आप निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे इसके अंदर से, तो आंसर आ जाएगा. तो अब मेरा सिर्फ टारगेट है ये एक्स निकालने पे. तो अब बताएं मुझे 100 सेंटीमीटर क्यूब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी है सी. तो बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की कितनी होगी, c/100, 1 सेंटीमीटर क्यूब की. ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी होगी. नाउ अब है आफ्टर कितना, 3 half life. आफ्टर 3 half life, ठीक है, 3 half life के बाद. अब जैसे शुरू में कोई 100 होता है तो बताओ 1 half life के बाद 50, उसके बाद 25 और उसके बाद 12.5. तो आपके पास 100 का 50 हुआ पहली हाफ लाइफ में, फिर दूसरी हाफ लाइफ में उसका आधा, फिर उसका आधा. ये समझ में आता है. तो अगर पहले 1 था तो अगले में 1/2, अगले में 1/4, अगले में 1/8. तो 3 half life के बाद बताओ वो कितनी हो गई एक्टिविटी, 1/8. तो अभी हमें ये नहीं मालूम है कितना है, तो समझना मैंने पहले 100 का कहा सी थी, तो बोलो 1 की इतनी हो गई, ये कब, इनिशियली, बट आफ्टर 3 half life ये कितनी हो जाएगी. तो आपका जवाब होगा सर आफ्टर 3 half life नाउ इट बिकम्स c/100 इंटू 1/8. ये हुई किसकी, 1 cm³ की, आफ्टर 3 half life. तो आपको क्लियर हो रहा है आंसर, आप क्या कहना चाह रहे हैं. शुरू में 100 cm³ की थी c, तो बताओ 1 cm³ की c/100. ये क्लियर, ये शुरुआत में. लेकिन अब जैसे जैसे 3 half life बीती, बताओ इसकी 1/8 हो गई, ये 1/8 हो गई. नाउ अब जो आपके पास लिक्विड बचा, लेट वी बी द वॉल्यूम रिमेन, जो बचा वो इतना, वी बी द वॉल्यूम रिमेन. तो बताओ ये 1 cm³ की है, तो क्या आप मुझे बताएंगे v cm³ की कितनी होगी.
20 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर C बाय 100 इंटू 1 बाय 8 इंटू V, एक की इतनी तो V की कितनी इंटू V हो जाएगा। तो आपने बहुत आसानी से निकाला सर, शुरू में 100 की C थी, एक का हो गया C बाय 100, अब आफ्टर 3 हाफ लाइफ, ये तो इनिशियल एक्टिविटी हुई, 100 सेंटीमीटर की इनिशियल C, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की इनिशियल C बाय 100, 100 की इतनी तो एक कितनी, अब ये इनिशियल है, आफ्टर 3 हाफ लाइफ ये 1/8 हो जाएगी, किसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब की, लेकिन हमारे पास कितना है हमें नहीं मालूम है कितना है, बट हमने मान लिया कि हमारे पास सपोज V है, तो V की कितनी होगी इनटू V। तो ये हुई आपके रिमेनिंग लिक्विड की एक्टिविटी, और अपने को क्वेश्चन में रिमेनिंग लिक्विड की कितनी गिवन है, C by 10 गिवन है, कि जो बचा उसकी एक्टिविटी C by 10 है, और हमने फर्स्ट के हिसाब से निकाल लिया सर ये है, तो बताओ C by 10 क्वेश्चन में गिवन है और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी आ रही, C by 100 into 1 by 8 into V, C C cancel, 0 0 cancel, कितना आ गया 1 is equals to 1 by 80 into V and answer now become 80 centimeter cube, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन कि सर शुरू में 100 सेंटीमीटर क्यूब की एक्टिविटी सी है, तो शुरुआत में 1 की कितनी होगी सी बाय 100, 3 हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है सर 1/8, इनिशियल का 1/8, और आपको 3 हाफ लाइफ के बाद गिवन है कितनी सी बाय 10, हमने इक्वेट किया V100, तो लो कर पाएंगे क्वेश्चन, नोट करो इसको।